लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान और वेस्टर्न यूपी के कुछ किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये तो कुछ किसान थे यहाँ पे, क्योंकि धुंधला दिखाई दे, कैमरे जब धुंधले हो जाते हैं कुछ किसान ही दिखे, ठीक है। वो ऐसा नहीं, सब लोग थे यहाँ पे और कर्नाटक से भी यहाँ पे थे, लेकिन उनका प्रतिनिधिमंडल था यहाँ पे। छत्तीसगढ़ से भी किसान आ रहे, कुछ लेट किसान आ रहे, अभी भी उनकी ट्रेन नहीं है, तो सब जगह का ये प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे किसान आए थे, और कुछ जगह जो नजदीक के लोग थे वे भीड़ के साथ में यहाँ आए। अच्छा, तो आज की महापंचायत में जो मैंने भाषण सुने, लेकिन कोई लोगों तक मैसेज मुझे नहीं लगता खास पहुंचा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस महापंचायत में? एक तो एकत्रित हुए लोग हुए और लोग ये भी मैसेज दे रहे, जो उनके इशू हैं उन इशू की इकट्ठा हुई, जिस किसान की जो समस्याएं हैं, वो चाहे जिले लेवल पर हो, प्रदेश लेवल पर हो, राष्ट्र लेवल पर हो, उसके लिए यह भीड़ इकट्ठा हुई थी यहाँ पे। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया यह होगी, अपने गांव में जाओ, अपना मीटिंग करो, अपने शहर में जाओ, और जो भी जिसकी समस्या है उसके लिए संगठन को मजबूत करके अपने आंदोलन करते रहे। और जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनका, उनकी कमेटी बनी हुई है और हमने एक तालमेल कमेटी बनाई है, वो कमेटी उनसे बातचीत करेगी, फिर इकट्ठा आंदोलन कोई भी हो तो इकट्ठा आंदोलन करे। तो कब होगा अब अगला आंदोलन? अब मकाल लक्षण का त्योहार है, मना लेने तो पहले ने। हाँ, और अब ये चुनाव आने वाले हैं, लोग कह रहे हैं त्योहार है इनका, तो चुनाव आने वाले, लोगों का ये कहना है कि इस बार मोदी सरकार क्योंकि राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, और अपना उसको वोट दे दे जिसको जहाँ देने दे लगा। नहीं, वोट तो लोग दे देंगे जहाँ देने हैं, लेकिन किसान तो बहुत नाखुश है, किसानों की अभी फिर से एक ही मांग है, MSP। और ऐसा नहीं कि MSP मिल जाएगी तो किसान का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। MSP एक हाईलाइट हुई है और ये फसलों के रेट से संबंधित है, और ये कुछ 23 फसलों पे है, लेकिन किसान की समस्या और भी हैं, बिजली वाला है, कर्जा माफी का है, जो इनकी जमीन लुटी जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू देश में है, वो चाहे हाई टेंशन उसकी तार हो या सड़क में उसकी जमीन जा रही है, तो बाजार भाव से सस्ते में किसान की जमीन लुटी जा रही है, वो भी एक बड़ा इशू है। अच्छा, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी 2014 में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर जो किसान है उनको MSP नहीं मिली, मैं दिलाऊंगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। ये प्रेस के लोग उसको दिखा रहे हैं और इस तरह की वीडियो ज्यादा चलनी चाहिए, लेकिन नहीं चल रही है। आपको पता है किस तरीके का हो रखा है इस वक्त, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा पे भी रिस्ट्रिक्शन और लगेगी, ये सरकार आ जाएगी तो अक्टूबर 2024 अक्टूबर के बाद में बहुत से सिस्टम देश में चेंज हो जाएंगे। तो ये थे राकेश टिकैत जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि 2024 के बाद कई जो फैसले हैं वो बदले जाएंगे।